आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसका ना इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को इनेबल या डिसेबल कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो पे चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हमको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर टाइप URL, तो इस पे क्लिक करना और यहाँ पे सर्च करना है HDFC माई कार्ड लॉगिन। ठीक है, ये सर्च करने के बाद ना आपको यहाँ पे टाइप करना है माई कार्ड HDFC बैंक, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे आप OTP डाल के सबमिट करोगे, तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे OTP डाला और मैंने यहाँ पे सबमिट किया, तो HDFC का होम पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको जो भी कार्ड रहेगा आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इस कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप कार्ड पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है अवेलेबल लिमिट आपको 11,999, आउटस्टैंडिंग है जो 1 रुपया है, अपकमिंग पेमेंट जो है वो जो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे लिखा है कार्ड कंट्रोल, इस पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में अब जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, दो ऑप्शन मिलेगा, एक लिखा रहेगा डोमेस्टिक और दूसरा लिखा रहेगा इंटरनेशनल। पहले आपको डोमेस्टिक पे क्लिक करना है। डोमेस्टिक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन स्पेंड, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके पास लिखा है नीचे टैप एंड पे, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे मर्चेंट आउटलेट, इस पे भी आपको इनेबल करना है तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है ATM विड्रॉल, तो आपको जो ATM विड्रॉल लिखाना है इसको आपको डिसेबल रहने देना है, क्योंकि अगर आप ATM से कैश निकालते हो तो आपको ना बहुत ज्यादा चार्जेस लगेंगे। ओके, सेम टाइम से देन ये होने के बाद ना आप इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। और इंटरनेशनल पे आपका देखो, अगर आप इंटरनेशनल अगर स्पेंड कर रहे हो तो आपको इनेबल करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप इसको डिसेबल करना है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल यूजर्स के लिए ऑफ ही रखना। तो आप ये यहाँ से इससे सेम रूल है आप इसको फॉलो कर सकते हो। करने के बाद में जब आप इंटरनेशनल दोनों ये करना इनेबल या डिसेबल, फिर उसके बाद यहाँ पे अपडेट लिमिट पे क्लिक करना है और आपका जो कार्ड कंट्रोल का होता है ट्रांजेक्शन वो आपका यहाँ पे इनेबल और डिसेबल हो जाता है। तो ऐसे ही आपको एक मेल भी आ जाता है आपके ऑफिशियल मेल ID पे, तो ऐसे ही मतलब करते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर, और कुछ अगर नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, या तो फिर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम आपको वहाँ से हेल्प कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।